Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are fit and fine. So today we are going to learn a lesson, and the name of the lesson is Chatur Gidar, lesson number 8. So let us begin. Chatur Gidar, pehla drishya. Sthan, talab ka kinara. Magarmach talab ki or dekhte hue apne aap se. Talab ki sari machliya to main dheere dheere chat kar gaya. Ab kya khau? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है। आज वो गीदर भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। कछुए का प्रवेश। कछुआ, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है, इतने उदास क्यों हो? मगरमच्छ, क्या बताओ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। कछुआ, क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली? मगरमच्छ, मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदर मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। कछुआ, हाँ, गीदर को पकड़ना तो बहुत कठिन है। मगरमच्छ, मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। कछुआ, अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, किसी तरह गीदर को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ, कुछ सोच कर। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो, कान में कुछ कहता है। मगरमच्छ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो बच्चों, आपको जो है पिक्चर में दिख रहा है मगरमच्छ और कछुआ, है ना, ये दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। और ये जो मगरमच्छ है, ये रहता था एक तालाब में, और उसका भोजन जो था उस तालाब की मछलियाँ थी। तो जब मगरमच्छ ने तालाब की सारी मछलियाँ खा डाली, तब वो अभी परेशान रहने लगा कि मैं अभी क्या खाऊंगा, क्योंकि वो बहुत दिन से भूखा था। तो दूसरा जो दृश्य है उसमें कछुआ आता है, उसने पूछा कि मगरमच्छ तुम कैसे हो? तो मगरमच्छ ने बड़े ही दुखी मन से कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। तो कछुआ, तब मगरमच्छ ने बोला कि तालाब की तो सारी मछलियाँ ख़त्म हो गई, और एक जो लोमड़ी था वो भी तालाब में नहीं आ रहा पानी पीने के लिए, अब मैं कैसे अपनी भूख मिटाऊँ? तब कछुआ ने एक बुद्धि सूझी, क्योंकि कछुआ उसका मित्र है, और कान में कुछ पुसपुसाया। अभी चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। दूसरा दृश्य, एक और मगरमच्छ सांस रोक के मरा हुआ सा पड़ा है, और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ, दूर से गीदर को आते हुए देखकर हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। गीदर का प्रवेश। गीदर, क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? कछुआ, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। गीदर, क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अपने आप से, अब तो मैं निश्चित होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ, उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। कछुआ, क्या कहा? गीदर, नहीं कुछ नहीं, ये तो बड़े दुखी बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? कछुआ, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ठाप दे, देखो मरा पड़ा है। गीदर डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से, अरे ये तो बिल्कुल शांत है। नहीं, ऊंचे स्वर में, ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है? कछुआ, हाँ, देखते नहीं, यह मरा पड़ा है। गीदर, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। कछुआ, नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदर भागकर दूर जाते हुए, अपने मित्र को देखो। कछुआ, ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें, भाग गया गीदर, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदर की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मगरमच्छ जो है एक्टिंग कर रहा है मर जाने का, ठीक है। तो ऐसा जो है, कछुए ने बोला था मगरमच्छ को कि तुम एक्टिंग करना, उसी समय लोमड़ी आता है,
हाय हाय, मेरा दोस्त तो मर गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो अकेला ही रह गया। तो लोमड़ी तो चालाक थी, तो लोमड़ी ने पूछा, क्या ये सचमुच मर गया है? लेकिन जब वो धीरे धीरे जब उसके पास गया तो उससे समझ में आ गया कि मगरमच्छ मरा नहीं है, वो तो एक्टिंग कर रहा था, है ना। तब उसने मतलब उसको फंसाने के लिए, जानने के लिए कि वो जिंदा है कि नहीं, कहने लगा कि मरे हुए मगरमच्छ जो है अपनी पूंछ हिलाते रहते हैं। तो मगरमच्छ तो बुद्धू था, वो फटाक से क्या करने लगा, अपना पूंछ हिलाने लगा। तो इतने में जो है लोमड़ी को पता चल गया कि मगरमच्छ मरा नहीं है, जिंदा है। तब वो फटाक से वहाँ से भाग निकला। तो देखिए उसके बाद जो है कछुए ने मगरमच्छ को डांट लगाए कि तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, देखो अभी लोमड़ी जो है भाग गया। तो देखिए बच्चों, लोमड़ी जो है अपनी चालाकी के वजह से जिंदा बच गया, नहीं तो वो मगरमच्छ जो है उसको खा ही डालता, है कि नहीं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी है? आशा है कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।